नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बेकिंग न्यूज चैनल सच का साथ। खबर पाली राजस्थान से आ रही है। वैक्सीनेशन सेंटर दो दिन बंद होने के बाद भी आज से फिर वैक्सीन टीकाकरण लगवाना हुआ शुरू। देखिए हमारी रिपोर्ट। जिले सहित प्रदेश भर में वैक्सीन की कमी के चलते तीन दिन से सेंटर बंद रहे और वैक्सीन पहुंचने के साथ ही शहर के विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। ऐसा ही नजारा पाली के बागन अस्पताल सहित शहर के वैक्सीनेशन सेंटर, जहां 18 से 44 और उससे ऊपर वाले आयु की वैक्सीन लगने वाले लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। भीड़ का कारण बताया जा रहा है कि पिछले तीन दिनों से वैक्सीन नहीं होने की वजह से सेंटर बंद पड़े हैं और आज जब वैक्सीन के आने के साथ ही सेंटर पर भीड़ भी दिखाई दी।